मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें ट्रिग्नोमेट्री का अपने डेली लाइफ में क्या यूज है, एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे जो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज गिवन है उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पर्सन है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर है, वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूर पे खड़ा है। इस बिल्डिंग के टॉप का इसकी आई पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ये पर्सन चल के यहां पे आ जाता है तो इसका जो एंगल ऑफ इलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ इस पर्सन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? एक पर्सन गिवन है, मेन गिवन है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है। इस बिल्डिंग के टॉप का इसकी आई पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये पर्सन बिल्डिंग की ओर जा रहा है। आफ्टर सम टाइम उसका जो एंगल टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ पर्सन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? इस वाले पॉइंट को ए लेट कर ले, इस पोजीशन को बी लेट कर ले, दिस इज सी डी, दिस पॉइंट ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। फर्स्ट उस पर्सन की जो पोजीशन है वो ए है, तो लेट कर ले कि इस ए की इस बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है वो एक्स मीटर है। जब एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो उसकी पोजीशन बी है और इस डिस्टेंस को अपन वाई लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी इक्वल टू वाई मीटर। यहां देखिए ए जी बी एफ और ईडी तीनों की वैल्यू 1.5 मीटर होगी। पर्सन 1.5 मीटर टॉल है, वही पर्सन यहां पे है और ये डिस्टेंस इसी पर्सन के इक्वल होगी। अगर आपको सी निकालना हो तो इस पूरे 30 में से इस 1.5 को माइनस करना पड़ेगा, मीन्स आपको सीडी में से ईडी माइनस करना पड़ेगा। 30 में से 1.5, दिस इज 28.5 मीटर। अब देखिए यह आपको टू राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं। फर्स्ट राइट ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी इस ट्रायंगल में देखिए कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 28.5 है और बेस एक्स है, तो 10 थीटा का फॉर्मूला यूज में आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 28.5 अपॉन एक्स 1 अपॉन रूट 3 28.5 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x की वैल्यू अभी आपके पास 28.5 रूट 3 मीटर। सेकंड ट्रायंगल है BCE, इन ट्रायंगल BCE इसमें थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 28.5 मीटर है एंड बेस y मीटर है, तो अगेन 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 डिग्री
परपेंडिकुलर 28.5 बेस वाई, टेन सिक्योरली रूट थ्री 28.5 अपॉन वाई, तो वाई इक्वल टू आ गया 28.5 अपॉन रूट थ्री मीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना कि पर्सन ए से बी तक चल के गया तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, मींस आपको क्या फाइंड करना है ए बी। तो ए बी कैसे फाइंड होगा, इस पूरी एक्स डिस्टेंस में से इस वाई को क्या कर दे माइनस, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। एक्स की वैल्यू पुट करो 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री, 28.5 कॉमन, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, टेकिंग एलसीएम 28.5 रूट थ्री एलसीएम 3 माइनस 1, तो ये 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट थ्री मीन्स 57 अपॉन रूट थ्री, अपॉन में रूट की टर्म आ रही है रेशनलाइज, रूट थ्री से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो 57 रूट थ्री अपॉन 3 19 रूट थ्री मीटर। उस पर्सन ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की 19 रूट थ्री मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दे रखा है एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, लेफ्ट एंड की बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी 20 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर ये एबी टावर है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, इस टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो बताइए इस टावर की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर, साथ में लेट कर लेते हैं कि ग्राउंड पे जो पॉइंट है पी उसकी इस बिल्डिंग से डिस्टेंस एक्स मीटर है। यहां से देखें बिल्डिंग और टावर दोनों की मिलाकर टोटल हाइट होगी एच प्लस 20 मीटर, अगेन टू राइट ट्रायंगल है, फर्स्ट राइट ट्रायंगल है ए सी पी इन ट्रायंगल ए सी पी और दूसरा राइट ट्रायंगल है बी सी पी, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री है, सेकंड वाले में 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों ट्रायंगल में बेस एक्स मीटर है, परपेंडिकुलर एच प्लस 20 मीटर, परपेंडिकुलर 20 मीटर, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इसमें फर्स्ट वाले में, परपेंडिकुलर एच प्लस 20 अपॉन एक्स, 10 60 रूट 3 होता है एच प्लस 20 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 एक्स इक्वल टू एच प्लस 20, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले में थीटा 45 डिग्री है, 10 45 परपेंडिकुलर 20 बेस एक्स, 10 45 की वैल्यू 1 सो एक्स इक्वल टू 20 मीटर। सेकंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फर्स्ट पे पुट कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रूट थ्री एक्स इक्वल टू एच प्लस 20, एक्स की वैल्यू 20 एच प्लस 20, तो एच
इक्वल टू आ गया 20 रूट 3 माइनस 20, 20 कॉमन रूट 3 माइनस 1 मीटर। जो टावर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है उसकी हाइट जो है 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है ए स्टैट्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैट्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखिए ये एक स्टेच्यू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। ये स्टेच्यू इस पेडेस्टल के ऊपर है जिसकी हाइट अपन को फाइंड करनी है। तो इसकी हाइट अपन ने लेट कर ली एच मीटर है। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू एच मीटर। ग्राउंड पे पॉइंट है डी, इसके टॉप का एंगल बन रहा है 60 डिग्री और इसके टॉप का एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो साथ में लिख कर लेते हैं जो पॉइंट है डी, इसकी सीसी डिस्टेंस है एक्स मीटर। यहां देखिए इसके एक 1.6 और इसके एक एच है। तो यहां देखें ये टोटल हाइट हो गया प्लस एच प्लस 1.6 मीटर। फर्स्ट ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी थीटा 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर एच है, बेस एक्स मीटर है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा 45 परपेंडिकुलर एच बेस एक्स, टेन 45 वन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच इक्वल टू एक्स मीटर आ गया। नाउ सेकंड वाला जो ट्रायंगल है ए सी डी जिसमें थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर एच प्लस 1.6 मीटर है, बेस एक्स मीटर है। नाउ अगेन 10 थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स, 10 60 रूट 3 एच प्लस 1.6। अब ध्यान देना यहां अपॉन में एक्स आ रहा है, उस एक्स को यहां से क्या ले सकते हैं एच फ्रॉम वन। फर्स्ट इक्वेशन से पुट किया क्रॉस मल्टीप्लाई रूट थ्री एच इक्वल टू एच प्लस 1.6, रूट थ्री एच माइनस एच इक्वल टू 1.6, एच कॉमन रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 1.6। तो देखिए एच इक्वल टू आ गया आपका 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन मीटर। अपोन में रूट वाली टर्म है रेशनलाइज करेंगे, रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो ये 1.6 रूट थ्री प्लस वन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1.6 रूट थ्री प्लस वन इट इज थ्री माइनस वन 1.6 रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू कैंसिल किया 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। उस पेडेस्टल की हाइट कितनी है 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए यहाँ पे ए बी एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी 50 मीटर, सी डी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। तो लेट हाइट ऑफ
बिल्डिंग एच मीटर टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री एंड बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस लेट कर लिए अपने एक्स मीटर है, BD इक्वल टू एक्स मीटर। देखिए अगेन यहां पे टू राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, फर्स्ट दिख रहा है ABD इन ट्रायंगल ABD और सेकंड ट्रायंगल है BCD। ABD के अंदर थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 50 मीटर है, बेस x मीटर है। BCD के अंदर थीटा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर h मीटर है एंड बेस x मीटर है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री 50 अपॉन x, रूट थ्री 50 अपॉन x, तो x इक्वल टू अगेन 50 अपॉन रूट थ्री मीटर। नो इन सेकेंड ट्राइंगल BCD अगेन 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट थीटा इज 30 डिग्री परपेंडिकुलर h बेस x, 1 बाय रूट थ्री h अपॉन x, तो h इक्वल टू अगेन x अपॉन रूट थ्री। और x की वैल्यू यहां पुट करें तो ये आ गया के 50 अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री मीन्स 50 अपॉन 3 मीटर। नो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road. The angle of relation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pole and distance of the point from the poles. Question number 10 में एक road given है, 80 meter wide है, इस road के दोनों end पर two pole given है, जिनकी height equal है, लेट कर लेगी दोनों की हाइट h मीटर है। फर्स्ट पोल AB, सेकंड पोल CD। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस रोड के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, लेट कर लिया पॉइंट P है, कि इसके टॉप का तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री और इसके टॉप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो बताओ इस पोल की हाइट कितनी है और ये पॉइंट इन पोल से कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस पर है। तो लेट कर लीजिए, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एच मीटर एंड ये जो बीपी डिस्टेंस है ये होगी एक्स मीटर। अगर ये एक्स है तो ये पीडी कितना होगा, 80 माइनस एक्स। अगेन टू राइट ट्रायंगल, फर्स्ट एबीपी, सेकंड सीडीपी, इसमें थीटा 60 डिग्री, इसमें थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर एच, इधर भी परपेंडिकुलर एच, बेस हो गया इधर एक्स मीटर, इधर बेस हो गया आपके 80 माइनस एक्स मीटर। Now, using 10 theta, perpendicular upon base, 10 60, h upon x, 10 60 root 3, h upon x, so h equal to again root 3 x meter, equation number 1. Second one, we see, 10 theta, perpendicular upon base, theta 30 degree, perpendicular h, base 80 minus x. 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3,
है क्या, 80 माइनस एक्स इक्वल टू रूट थ्री एच, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। फर्स्ट और सेकंड से आपको h और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से h की वैल्यू वहां पुट कर ले, 80 माइनस एक्स रूट थ्री एक्स, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, तो 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू आ गया 20 मीटर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल टू है रूट थ्री एक्स, तो रूट थ्री इंटू 20 रूट थ्री मीटर, तो टावर की जो हाइट आ गई वो तो 20 रूट थ्री मीटर आ गई, एंड जो पोल है वो पोल उस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर है, या वो पॉइंट फर्स्ट वाले पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पर है और सेकंड वाले पोल से 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 मीटर डिस्टेंस पर है।